बिहार राज्य पूर्व सैनिक भोजपुर द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह डीके कारमल रेसिडेंशियल हाई स्कूल 0 माइल आरा में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कृषि सहकारिता एवं गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री बिहार सरकार एवं जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, कर्नल वीके सिंह, पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ पटना डॉक्टर नागेश्वर सिंह, चेयरमैन डीके कर्मल रेसिडेंस ग्रुप एंड डॉक्टर विभा कुमारी, सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी आर के थे। ये भय की तालियां नहीं पता चल रहा है, जोरदार तालियां। इस भोजपुर के जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा साहब, मन पर विराजमान हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक श्री हरकिशोर राय साहब, हमारे बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के पूर्व अध्यक्ष पर्सन डॉक्टर नागेश्वर सिंह और रेड क्रॉस सोसाइटी आरा के सेक्रेटरी विभा कुमारी, हम इन सभी का। सबसे पहले मेजर राणा प्रताप सिंह सेवा निर्मित सभी चीफ गेस्ट और विशिष्ट अतिथियों को मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक सहयोग के डॉक्टर मधेश्वर सिंह के तरफ से सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बिहार राज्य पूर्व सैनिक के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह ने डॉक्टर मधेश्वर सिंह के पूर्व सैनिकों के सहयोग देने के लिए एक विशेष मोमेंटो द्वारा सम्मानित किया गया, तथा पूर्व सैनिकों ने कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कर्नल वीके सिंह, पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ पटना, अपने संबोधन में कहा कि हम 71 भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जो बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को सम्मान कर उन्होंने कसौटी लड़ाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने अपने भाषण बताया कि हम स्वर्ण जयंती 1971 का मना रहे हैं, इस पर हम सभी वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और अपने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। किसी भी सैनिक का कोई भी काम हो मेरे पास भेजी चले आए या मेजर राणा प्रताप सिंह को बताएं, यह हमारे तरफ पहुंचा देंगे। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने अपने भाषण में बताया कि सब काम शहीदों को सम्मान देते हैं और कोई भी जरूरत पड़ने पर हम शहीदों के साथ हमेशा तत्पर हैं। डॉक्टर मधेश्वर सिंह अपने भाषण में बताया कि एक शहीद के लिए जो पार्क बनेगा उसमें 2.5 लाख रुपए अपने तरफ से दान दूंगा। अंत में अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री द्वारा सैनिकों के विधवाओं को प्रणाम किया गया और उन्होंने वार मेमोरियल और शहीद पार्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात कर और जमीन और प्रोजेक्ट को दिलाने में काम करेंगे। बाद में सभी 55 महिलाओं का वीरांगनाओं को 50, हमारे पूर्व सैनिक को शॉल व ब्लैंकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में सुंदर मेजर जग नारायण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस सभा को संचालित मेजर राणा प्रताप सिंह बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ द्वारा किया गया और सबको उन्होंने बधाई देते हुए सभा को समापन किया। थोड़ा मोबाइल बंद कर ले हमारे पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं। चले सर, कर्नल वीके सिंह,
हमारे डीएम लेवल और तो सर के सामने हमारा एक जगह है जो कि हमारे जिला सदन कल्याण के अंदर में आता है और इसका पुलिस जो पहले आदेश भाई जी थे अभी जो आए हैं उनके लिए है, तो थोड़ा आप उसको बोलकर जगह दिलवा दिया जाए जो हमारे जिलाधिकारी श्री खुशबाई जी और जिला के एसपी मिस्टर राय साहब और इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और एक ही स्कूल इनके पास नहीं है बट 10 स्कूल इनके नीचे काम कर रही हैं और ये शिक्षा ज्ञान ही नहीं बल्कि सैनिकों के प्रति इनका विशेष लगाव है और इसलिए हम जो आज की सिंह साहब ने कहा कि उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मौके पर और हर समय वो अपना सहयोग देते रहे और यहाँ मंच पर मौजूद हैं दीवार कुमारी जी जो रेड क्रॉस की यहाँ की इंचार्ज हैं। आज 50 साल हो गया 1971 में युद्ध हुआ था और उसका 50वां साल मनाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस युद्ध में हिस्सा लिया, उस समय मैं मेजर के रूप में था। यहाँ जो मीडिया के मेरे मित्रगण हैं कुछ लोगों का उम्र मिली उससे कम होगा जिस समय यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कुछ ऐसी खूबियां थी कि इसको विश्व में जाना जाता है। पहला कि इस युद्ध में एक नया देश को हमने रूप दिया, एक नया देश बना जिसको बांग्लादेश कहते हैं और बांग्लादेश इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 26 जनवरी को इन्होंने एक दस्ता भेजा है फौजियों का जो इस परेड में हिस्सा लेगी। उसके बाद एक उसमें एक और भी खूबी थी कि 93,000 हम लोगों ने युद्ध कैडेट किए और उनको अपने जमीन पर रखा और उनको कैदियों की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रखा और हिंदुस्तानी फौजियों को कोई भी शिकायत उनसे आज तक नहीं है और अभी भी कैदी जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान ने जो हमें इज्जत दिया शायद हमें अपने देश में नहीं मिलता। नमस्ते सभी वीराने राय मीडिया के बंधु और मेरे प्यारे दोस्त, आज यहाँ उपस्थित होकर एक गौरव का विषय है कि हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और जो हमारे भोजपुर के जो जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको एक नमन भी लोगों को करने का मौका मिला है। आज जैसा बताया गया कि बांग्लादेश युद्ध जो हुआ था 1971 में और उसके 50 साल पूर्व हुए जिसमें आयोजन के अवसर पर आज 50 वीरांगनाओं को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं रेड क्रॉस के माध्यम से। साथ ही साथ ये जरूर हम लोग कहना चाहेंगे कि इन 50 के अलावा भी जो भी हमारे शहीद हैं उनके सभी परिवारजनों के हम लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कई बार हम लोग जो युद्ध होते हैं चाहे 1971 का युद्ध हो या पहले के 65 का युद्ध हो या करगिल का युद्ध हो,
उन दिनों जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी बात करते हैं, परंतु पिछले 1.5 साल में मैंने देखा कि इस क्षेत्र के, जैसा कि अभी मेरे साथ ही मिला है, कि 30,000 जवान अभी भी हम लोगों के यहाँ किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे, चाहे आर्मी में, चाहे एयरफोर्स में या नेवी में। तो प्रतिदिन का उनका जो सेवा है, जो किसी कारण से अगर देश की रक्षा में उनकी प्राणों की आहुति होती है तो परम बलिदान है, परंतु जो प्रतिदिन जो हमारे देश के बॉर्डर है उसकी सेवा कर रहे हैं, उनका भी जो रोल है, जो उनका जो योगदान है वो अद्वितीय है। उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो विकास की बात कर रहे हैं या जो इकोनॉमी की बात हो रही है कि हम लोग एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो देश में स्टेबिलिटी है, जो सरकार है, लोकतंत्र है, ये उन्हीं लोगों का जो एक जो वहाँ पे खून पसीना बह रहा है उसी की मेहनत की वजह से, उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अवसर पे कि पूर्व संध्या पे जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, हम लोगों का आमंत्रित किया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं। माध्यम से अन्य किसी भी तरीके की अगर कोई भी मदद हम लोग कर सके जिला प्रशासन की तरफ से, उसके लिए हम लोग सदा तत्पर भी रहते हैं। और हम लोग के सौभाग्य की इतना एक्टिव संघ यहाँ पर है जो लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम के तरह या किसी तरीके से हम लोगों को, सब लोगों को एकत्रित करता है, जोड़ता है। तो पुनः आप लोगों ने हम लोगों को याद किया, बुलाया यहाँ पे, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और सभी शहीदों को नमन करते हुए भिवाड़ी को याद करते हैं। कृषि मंत्री महोदय, इसका एक मंच पर मौजूद डीएम साहब, नेगोटी क्लब की सचिव मैडम, कर्नल वीके सिंह सर, मदेसर सिंह जी, मुझे अनापत्ता की लड़ाई के 50 वर्ष समाप्त होने के बाद ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें सम्मिलित होने वाली 50वीं रंगनाएं, जो लोग शहीद हुए हैं उनको मैं याद करना चाहूंगा और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। मैं इस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, डीके कार्मेल स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उस कार्य के अतिरिक्त ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि जो गए और उनके लिए हम लोग कुछ कर सके, उन्हें याद कर सके, जिसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, वो शांतिपूर्वक कार्य तभी कर पाते हैं जब हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। बॉर्डर सुरक्षित रहे उसके बाद ही कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी किसी प्रकार का भी विकास का कार्य हुआ या अन्य किसी प्रकार के भी लोगों तक राहत पहुँचाने का कार्य हुआ वो पहुँचाया जा सकता है, जब तक कि हम बाहर से सुरक्षित नहीं है। तो इसमें हमारे फौज का काफी अहम योगदान रहता है, उसके लिए मैं अपने फौज को धन्यवाद देना चाहूंगा। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जितने ही लोग, न केवल जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं या जिनके परिवार यहाँ मौजूद हैं, बल्कि पूरे देश के जो शहीद हैं या फिर आज के डेट में भी जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें मैं अपने हृदय से नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण अपने देश के लिए किया। और बॉर्डर का जो एरिया होता है वो काफी कठिन होता है, वहाँ पे अलग अलग केवल रुकना ही साधारण बात नहीं होती है, और वो जब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी, परमादरणीय बिहार सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय श्री रोशन कुशवाहा जी, हमारे एसपी साहब श्री हरिशोर राय जी, जिनसे मैं पिछले 3 वर्षों से मुखातिब होते रहा हूँ, हमारे अभिभावक श्री कर्नल और श्रीमती कर्नल बीके सिंह जी, विभा मैडम, भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मेजर राम प्रताप सिंह जी, सारे मेरे अभिभावक तुल्य देश के नौजवान, भूतपूर्व सैनिक संघ के सारे प्रतिनिधि और माता स्वरूप वीरांगनाएं,
इस पूर्व संध्या पर सबको मैं नमन करते हुए देश के तमाम सैनिकों को जो शहीद हो चुके हैं किसी न किसी रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सम्मान में आज के इस आयोजित कार्यक्रम में आने के लिए सबको साधुवाद देता हूँ। खासकर मीडिया कर्मियों जिन्होंने स्नेह और सम्मान के साथ इतना बेहतर समय निकालकर हमें समय दिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पूर्व ये शहीद पार्क की जो जिक्र हुआ मैं अनुरोध करूँगा बार बार सबसे कि इसको मूर्त रूप दिया जाए चाहे वो सरकार की नीति हो या न हो। वैसे नीति है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। इस शहीद पार्क को हम लोग एक मूर्त रूप दें और इस कोर्स में मैं अपने विद्यालय प्रबंधन की तरफ से जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं 2.5 लाख रुपये का अनुदान पहले में दूंगा और उम्मीद करता हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस उत्तम विचार के लिए और पुनः एक बार सबको श्रद्धांजलि करते हुए आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद।